गेट मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आपका एम गेट पर। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा ब्लॉक डायग्राम इंडक्शन का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो गेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ईएससी में पूछे गए हैं, उनको कुछ अदर बुक्स के न्यूमेरिकल्स भी हुए, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें होगा देखिए G1 ऑफ S G2 ऑफ S अगेन समिंग पॉइंट X ऑफ S इनपुट टू द सिस्टम H1 ऑफ S and H2 of S plus and then output Y of S। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है Y of S divided by X of S, Y of S divided by X of S पूछा है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने कुछ 5 बेसिक रूल पढ़े थे, उनमें से कोई अप्लाई हो रहा है क्या, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखा तो हमें पता लगा कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पॉइंट जो है वो इन दोनों ब्लॉक्स के सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास आ गए हैं पैरेलल। उसके बाद हमने इन दोनों को पैरेलल में करेंगे, और इन दोनों को पैरेलल में आने पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के गेन का एडिशन और एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले ये करते हैं, अब हम करते हैं इनको एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट। वो हो गया G1 ऑफ S प्लस H1 ऑफ S। उसके बाद इनपुट इसमें XS, देन समिंग पॉइंट प्लस देन G2 ऑफ S एंड H समिंग पॉइंट प्लस, उसके बाद यहाँ से H2 ऑफ S और आउटपुट Y ऑफ S। ये रिड्यूस होके यहाँ तक आ गया, अब ये रिड्यूस होके यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये समिंग पॉइंट का अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं बचा, इस समिंग पॉइंट का मतलब नहीं बचा, मतलब कि यहाँ पर यहाँ से इस समिंग पॉइंट पे कोई अदर इनपुट तो है नहीं, क्योंकि हमने इस वाले को तो सोल्व कर दिया, अब ये एरो तो हमने हटा दिया। अब यहाँ पर इस समिंग पॉइंट का मतलब नहीं है, इस समिंग पॉइंट का मतलब नहीं बचा, तो हम लोग इस समिंग पॉइंट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब इस समिंग पॉइंट को रिमूव करते ही कुछ तो दिखा होगा। अब कुछ दिखा मतलब इनपुट यहाँ पर और यहाँ पर आउटपुट, इन दोनों ब्लॉक्स के इनपुट और आउटपुट दोनों सेम मिले। बट हमें एक काम और करना है, पहले यहाँ पर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक हमें रूल नंबर कौन सा था, फर्स्ट ही था, रूल नंबर फर्स्ट पे ये दोनों ब्लॉक हमें सीरीज में दिखे, क्योंकि इसका इनपुट इसका आउटपुट और इसका आउटपुट इसका इनपुट बना है, तो मतलब ये दोनों ब्लॉक सीरीज में हो गए। अब सीरीज में हो गए तो हम दोनों इन दोनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या होगा उसका, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी इन दोनों ब्लॉक्स के गेन का मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया, सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करने पे क्या आएगा, ये सिंगल ब्लॉक, इसके लिए ये इनपुट ये आउटपुट क्या था, G1 ऑफ S प्लस H1 ऑफ S और वो मल्टीप्लाई होगा G2 ऑफ S। अब ये ब्लॉक बचा, ये ब्लॉक बचा। अब हम लोगों को दिखा है कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों
सेम है इन दोनों ब्लॉक्स के लिए, जो इनपुट इसमें जा रहा है वही इनपुट इसमें जा रहा है, ये यहाँ आके दोनों मिल रहे हैं। तो ये दोनों ब्लॉक्स रूल नंबर टू कहता है कि टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इंडिविजुअल गेन आर एडेड, तो उनके गेन एड हो जाते हैं, तो इन दोनों ब्लॉक्स के गेन एड होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट बना लेते हैं इसके लिए, वो बनेगा एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको ओवरऑल सिस्टम को, और वो होगा वाई ऑफ एस और एक्स ऑफ एस, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जी वन ऑफ एस प्लस एच वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस प्लस ओवरऑल का प्लस एच टू ऑफ एस। तो इस पूरे का इसके साथ इसको ऐड करके लिखा है यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस की जो वैल्यू होगी वो होगी जी वन ऑफ एस प्लस एच वन ऑफ एस मल्टीप्लाइड जी टू ऑफ एस प्लस एच टू ऑफ एस, एच टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एच टू ऑफ एस एड हो जाएगा इसके साथ। तो ये जो आया है ये आया अपने पास वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस, बेसिकली रूल नंबर वन और रूल नंबर टू यूज किया है इसमें हमने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनमें आगे आगे रूल यूज होते जाएंगे। ये दो रूल हमने सीखे हैं कि जब ब्लॉक्स सीरीज में कनेक्टेड हो जाए तो उनके गेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड हो जाए तो उनके ब्लॉक गेन एड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि जब समिंग पॉइंट की शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में वो डिस्कस करते हैं कि समिंग पॉइंट की शिफ्टिंग और टेक ऑफ पॉइंट की शिफ्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो वो देखते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं कंट्रोल ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है इसी 2010 गेट के पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पहले रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, देखते हैं एक बार अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने चेक करेंगे कि डायरेक्ट ब्लॉक कोई पैरेलल या सीरीज में आ रहा है क्या, तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ से इधर एक भी ब्लॉक पैरेलल सीरीज में नहीं आ रहा है, आखिर गेट का क्वेश्चन है, इसका इजी थोड़ी होगा। तो हम लोग देखते हैं फिर टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट की शिफ्टिंग के बारे में। टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट की शिफ्टिंग, इसकी शिफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है, इसकी शिफ्टिंग इसकी इधर कर देंगे लेकिन टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट नियर आ जाएंगे। टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट को कभी पास नहीं लाना है, ध्यान रखना, क्योंकि यदि टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट पास आ गए तो लोचा हो जाएगा और आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, तो उसको पास नहीं लाना है, इजी वे में जाना है। तो इजी वे में जाने का मतलब हुआ कि इस टेक ऑफ पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर दें या इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो हम इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, सबसे इजी, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया तो हम नया डायग्राम बनाते हैं इसका शिफ्टेड वर्जन का, यहाँ जीवन आएगा, यहाँ समिंग पॉइंट रहेगा प्लस माइनस माइनस यहाँ एच टू वाला ब्लॉक, यहाँ जी टू, और जब शिफ्टिंग करेंगे तो आपको पता है कि एच टू ब्लॉक की वैल्यू चेंज होगी, और वो वैल्यू कैसे कितने अमाउंट से चेंज होगी वो आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हम जब समिंग टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर द गेन शिफ्ट करते हैं तो एक एडिशनल टर्म का मल्टीप्लाई होता है सिस्टम के गेन के साथ, और वो होगा एच टू इंटू जी थ्री, इस गेन से पहले शिफ्ट किया तो इस गेन वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ आउटपुट ले रहे हैं पहले यहाँ ले रहे थे, तो ये यहाँ से लेने पे जी थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जी थ्री का मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर द गेन शिफ्ट करते हैं तो एक इंडिविजुअल गेन जी का मल्टीप्लाई करते हैं अदर आउटपुट ऑफ द टेक ऑफ पॉइंट। अब हम लोग
यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें आगे कि हमें क्या दिखा है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम जो है, ये हमें क्लोज लूप जैसा दिख रहा है, क्लोज लूप जैसा दिख रहा है। तो क्लोज लूप जैसा सिस्टम दिख रहा है, इट मीन्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्लोज लूप सिस्टम है ये, तो इसको सोल्व करने पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी टू जी थ्री एंड एच टू। देखिए ये वाला इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन वाले सिस्टम को सोल्व करने पे जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो हम इस ब्लू लाइन वाले सिस्टम को इस सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बेस ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो हम इस सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे इस सिस्टम को। तो हम लोग इस सिस्टम को सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस सिस्टम सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा तो ये हो गया अपने पास जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी टू जी थ्री एंड एच टू, ये हो गया। अब कुछ और चीजें दिखिए हमें, हमको बेसिकली इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करना है, हमारा मेन मोटो यही है। हमें मतलब जो हमने पढ़े हैं रूल्स पढ़े हैं, कुछ ना कुछ वो हमने कुछ वो पढ़े हैं, शिफ्टिंग पढ़ी है, वो कुछ ना कुछ करके हमें रिड्यूस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों ब्लॉक जो है वो दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, रूल नंबर वन लगा देंगे। सीरीज में दिख रहे हैं, रूल नंबर वन लगाते हैं। अब देखिए रूल नंबर वन लगाते हैं यहाँ पे x of s minus h1 g1 g2 divided by 1 plus g2 g3 h2 and g3 इसके साथ, तो ये y of s हो गया। ये ब्लॉक दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सीरीज में होंगे तो इंडिविजुअल गेन मल्टीप्लाई होंगे, हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं हम यहां पर, तो ये जो दिख रहा है हमें ये वाला, ये जो है ब्लू वाला, ये क्लोज लूप सिस्टम है, ऑब्वियसली है, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। तो इसको इंडिविजुअल इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पे जो आएगा वो क्या आएगा, एक बार यहाँ साइड में डिस्कस कर लेते हैं कि वो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये आएगा G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 मल्टीप्लाइड होगा H1 के साथ। तो इस ब्लू वाले को सोल्व करने पे ये आउटपुट आएगा और इसका एक ब्लॉक बनेगा। तो इस ब्लू वाले को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब इस ब्लू वाले को मैं हटा रहा हूँ, तो ये वाला जो है इसको मैं एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करूँगा, और ये सिंगल ब्लॉक जो होगा वो ये होगा, ये x आ गया इनपुट, उसके बाद क्या लिखेंगे, g1 g2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस g2 g3 h2 divided by 1 plus g1 g2 1 plus g2 g3 h2 dot g dot h1, ठीक है h1। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक g3 वाला ब्लॉक दोनों सीरीज में है, तो हम फाइनल एक इस पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और वो सिस्टम से जो ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा, देखते हैं कि इनपुट x ऑफ s होगा उस सिस्टम का और आउटपुट y ऑफ s होगा। ये आउटपुट y ऑफ s हो गया, इनपुट x ऑफ s हो गया, और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वो करेंगे g1 g2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस g2 g3 h2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस g1 g2 divided by 1 plus g2 g3 h2 dot multiplied with h1, और ये पूरा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास g3 के साथ। तो ये जो है y of s divided by x of s की जो वैल्यू आएगी वो इस ब्लॉक के अंदर होगी। अब ये था बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द गेन वाला, ऐसे ही शिफ्टिंग ऑफ
टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर दी गेन भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, इस क्वेश्चन में हम लोग इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे। इस टेक ऑफ पॉइंट को यदि मैं यहाँ शिफ्ट करता तो मुझे एच वन की वैल्यू में चेंजेस करना पड़ता, और एच वन की वैल्यू में मैं कितना चेंज करता ये डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे। गेट बेसिकली बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें हम दो चीज़ें कर सकते थे, कर तो बहुत कुछ सकते थे, समिंग पॉइंट को इधर भी शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें आदमी उलझ जाता तो हमें उसको नहीं करना था। गेट में मेन यही तो चीज़ होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते थे, तो इस टेक ऑफ पॉइंट को यदि मैं इधर शिफ्ट करता तो मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ता, इसकी वैल्यू को कितने अमाउंट से चेंज करना पड़ता, तो इस ब्लॉक को मुझे रिप्लेस करना पड़ता एच वन डिवाइडेड बाई जी थ्री से। तो एच वन डिवाइडेड बाई जी थ्री से, क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर दी गेन शिफ्ट कर रहे हैं तो वो डिवाइडेड होगा रेसिप्रोकल ऑफ गेन वैल्यू के, रेसिप्रोकल ऑफ गेन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये वैल्यू चेंज होते ये टेक ऑफ पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे पहुँच जाता, यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे आते ही हम लोग इन दोनों ब्लॉक्स को सीरीज में कनेक्ट करवाते, और सीरीज में कनेक्ट करने से यहाँ पे आउट इसको मैं सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते तो वो होता अपने पास G2 G3। उसके बाद एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो सिस्टम रहता ये वाला, ये जो है ये नेगेटिव फीडबैक में आता, और ये नेगेटिव फीडबैक सोल होके इसका जो आउटपुट लिखते हैं वो लिखते हैं अपन G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 plus G2 G3 H2। इस पूरे ब्लू वाले को हम इस वाले ब्लू वाले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार देखते हैं इसको करके कि इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये हो गया अपने पास G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 plus G2 G3 H2। इससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इसको, इस नेगेटिव फीडबैक को सोल्व करके। अब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक जो है वो सीरीज में दिखाए, रूल नंबर वन से हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रूल नंबर वन से मल्टीप्लाई करवाया तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या आया। ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे एक G1, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 1 plus G1 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। अब इस पूरे सिस्टम को इस H1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये जो है, तो इस पूरे को सोल्व करने पे जो आउटपुट आता अपने पास Y of S डिवाइडेड बाई X of S की जो वैल्यू आती है, नेगेटिव फीडबैक आ गया ना, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक वाला। तो अब इसको सोल्व करने पे आता G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 plus G2 G3 H2 डिवाइडेड बाय 1 plus G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 plus G2 G3 H2 मल्टीप्लाइड विथ H1 G3। तो ये वैल्यू आती है। अब इसको सोल्व करने पे अपन को जो प्रीवियस आउटपुट जो मिला था उसी के सेम आउटपुट मिलता है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते थे, बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, आफ्टर द शिफ्टिंग, आफ्टर द गेन शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, दोनों वैसे कर सकते थे। तो ये था गेट 2010 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो डिस्कस करते हैं हम लोग कि वो कौन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वो डिस्कस करते हैं। गेट 2016 में पूछा गया है, गेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। गेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि यहाँ पे कुछ गेन की वैल्यू नहीं दी गई, वो ब्लॉक नहीं बनाया गया है, इट मीन्स इसके गेन की जो वैल्यू लिखते हैं वो 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अप्लाई हो रहा है ना, गेट 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते ही पता लग रहा है, सबसे पहले आप लोगों को ये दिखना चाहिए, प्रैक्टिस करने से ये दिखेगा,
आप लोग प्रैक्टिस करोगे गेट की उसी क्वेश्चन लगाओगे सारे, तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे एकदम दिख जाता है उसमें क्वेश्चन में कि आपको किसे इसके अप्रोच करना है। और हम लोग फिर इनको एक और अप्रोच होगी इनको बनाने की, वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं इनको। तो इस वाले ब्लॉक को नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है आपको, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम। तो अपन क्या करेंगे इसको एक सॉल्व कर देंगे नेगेटिव फीडबैक वाले को, नेगेटिव फीडबैक वाले को सॉल्व किया तो आपको पता लगेगा कि यह वाला सिस्टम पूरा एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा। वो क्या होगा, वन प्लस जी वन डिवाइडेड बाई जी वन डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन एच वन। और यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स इसका जो गेन है वो वन है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो वन होगी। यहाँ कोई जी वन जी टू एच वन एच टू नहीं दे रखा है, इस मीन्स ये जो डायरेक्ट कनेक्टेड लाइन है इसका जो गेन है वो वन है। अब नेक्स्ट हमें क्या हुआ, ये दोनों ब्लॉक सीरीज में दिखे, ये दोनों ब्लॉक सीरीज में दिखे, ये दिखे सीरीज। तो इन दोनों को सीरीज में सोल्व करेंगे, तो सीरीज में सोल्व करने पे क्या होता है, इन दोनों के गेंस का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इन दोनों के गेन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम लोग इन दोनों के गेन का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यही मैं यहीं पर कर रहा हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट अगला बनाना है क्योंकि मेरे पास तो मिटाने का है, आप लोगों की नोटबुक में मिटेगा नहीं। इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जी टू के साथ। अब जो सिस्टम बचा है वो ये बचा है। अब इसमें भी आपको एक चीज़ देखनी है, ये वाला सिस्टम दिख रहा है क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक, क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक को सोल्व करना है। क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक को सोल्व कर देंगे अपन तो क्या, एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे अगले वाले को भी, अगले वाले को सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ एस हो गया। उसके बाद अपने पास जी वन जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन एच वन डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन एच वन, ठीक है, ये हो गया। और ये वाई ऑफ एस हो गया, तो वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस की जो वैल्यू होगी वो होगी जी वन जी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस जी वन एच वन प्लस जी वन जी टू, ये वैल्यू होगी। इसको एक्चुअली सोल्व करके लिखना जरूरी है। तो ये जो होगी वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस की वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू से हम एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन आ गया इसमें, और इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग देखते हैं एक बार कि गेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है एक्स ऑफ एस वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस, नोट कर लीजिए वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग बनाते हैं इसको। अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार देखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन भी डील करना आने चाहिए क्योंकि गेट में इतना इजी तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन कि आप लोग बैठ के बना लो। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बेसिकली उसमें वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस पूछा है, तो ये वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस पूछा है, ये वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस पूछा है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, जी वन एच वन एच टू जी टू, ठीक है क्वेश्चन एकदम राइट। इसको सोल्व करना है आपको, यहाँ पे वाई ऑफ एस है,
आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये वाई ऑफ एस और ये वाई ऑफ एस दोनों सेम ही है एक्चुअली। ये कनेक्शन बनाने के बजाय इसने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी अपन को, तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ये नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप, तो नेगेटिव फीडबैक है यहाँ पे, नेगेटिव फीडबैक के इनपुट का आउटपुट कनेक्टेड है, इट मीन्स यहाँ नेगेटिव फीडबैक प्रेजेंट होगी। और ये वाई ऑफ एस, या तो आप यहाँ से इसको यूँ कनेक्ट करके यूँ भी बना सकते हो, बट क्वेश्चन थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए सामने वाले ने इसको ऐसे ही बना के दिया था। तो अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, इसमें निकालना है वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस, तो वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस निकालना है आपको। तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली शिफ्टिंग से नहीं कर पाओगे, शिफ्टिंग वगैरह जो भी करोगे उसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और होगा भी नहीं बेसिकली ये शिफ्टिंग से। तो हम लोग इसको अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करते हैं इसकी सिस्टम की कि कैसे सोल्व होगा ये। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ आएगा अपने पास एक्स ऑफ एस और यहाँ भी आएगा एक्स ऑफ एस। एक ये भी अप्रोच है क्वेश्चन सोल्व करने का, तो आप लोग इसको भी देखो, कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसको इस वे से भी कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ जो आएगा, यहाँ आएगा एच ओ वाई ओ एस, एच वाई ओ एस, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स ओ एस माइनस एच वाई ओ एस। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स ओ एस माइनस एच वाई ओ एस, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये हुआ। अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो एक बार डिस्कस करते हैं, जी वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ एस माइनस एच वाई ऑफ एस, और यहाँ पे जो आएगी वो आएगी जी टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ एस माइनस एच वाई ऑफ एस, ये आ गया। यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वाई ऑफ एस की जो वैल्यू, ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक बार लिख लेते हैं, जी वन एक्स ऑफ एस माइनस एच वाई ऑफ एस प्लस जी टू एक्स ऑफ एस माइनस एच वाई ऑफ एस, ये वैल्यू आई वाई ऑफ एस की अपने पास। अब इस वाई ऑफ एस की वैल्यू को अपन को सोल्व करना है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगा के सोल्व नहीं कर सकते थे कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज जो भी होगा वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हम ये जो एक अदर वे है वो भी बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने लिया इसीलिए कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये भी वे होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग वाई ऑफ एस इक्वल्स टू जी वन एक्स ऑफ एस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं, एच ओ वाई ऑफ एस प्लस जी टू एक्स ऑफ एस माइनस जी टू एच वाई ऑफ एस। उसके बाद वाई ऑफ एस वाली टर्म को सारी को मैं एक साइड में कर लेता हूँ, तो वाई ऑफ एस वाली टर्म को मैं सारी को साइड में करता हूँ, वाई ऑफ एस प्लस जी वन एच ओ वाई ऑफ एस प्लस जी टू एच वाई ऑफ एस इक्वल्स टू जी एक्स ऑफ एस प्लस जी टू एक्स ऑफ एस। वाई ऑफ एस को मैं ऐसे कॉमन निकाल लेता हूँ, वन प्लस जी वन एच प्लस जी टू एच हो गया। उसके बाद यहाँ पर होगा जी एक्स ऑफ एस को मैं यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जी वन प्लस जी टू हो गया, ये वाला है मैंने कॉमन निकाला है यहाँ से वाई ऑफ एस, तो यहाँ बचाइए एक्स टू एस एक्स ऑफ एस कॉमन निकाला तो जी वन एस हो गया। अब मैं वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस लिखने वाला हूँ, y of s divided by x of s वो होगा g1 plus g2 divided by 1 plus g1 h plus g2 h, ये होगा। तो ये जो आंसर होगा अपना फाइनल आंसर होगा, गेट ने बेसिकली ऑप्शन में ये दिया था, तो ये फाइनल आंसर होगा अपना। इसमें से H कॉमन लेके भी लिख सकते हो आप लोग, तो इसमें से H कॉमन लेके भी लिखो। गेट के पेपर में जो आंसर दिया था वो ये था G1 plus G2 divided by 1 plus H कॉमन लेके G1 plus G2, ये वाला जो था वो आंसर था पेपर में, ऑप्शन में जो दिया था वो ये थी। तो मैं कुछ H कॉमन लेके हमने ये आंसर लिखा,
तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन करवाने का मेरा मेन मोटो यही था कि आपको दिखाऊं कि ये क्वेश्चन इस वे से भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो एक कंफ्यूज करने के लिए था वाई ओ पेस यहाँ और वाई ओ पेस यहाँ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाई ओ पेस कौन सा निकालें, दोनों वाई ओ पेस सेम ही है। यहाँ से कनेक्शन बनाने की बजाय उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू वाई ओ पेस यहाँ पे पुट कर दी थी। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वीडियो लेक्चर में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम एस एफ जी स्टार्ट करने वाले हैं, एस एफ जी सिग्नल फ्लो ग्राफ स्टार्ट करेंगे। उसमें मेसन्स गेन फार्मूला के बारे में बात करेंगे, मेसन्स गेन फार्मूला होगा, एस एफ जी कैसे होता है, ये जितने भी ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन हमने किए हैं उनको एस एफ जी से भी सोल्व करेंगे हम लोग, कि ब्लॉक डायग्राम को एस एफ जी में कैसे कन्वर्ट करके हम लोग ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन करना ईजी होता है, बट एस एफ जी जो होता है उससे अपन क्वेश्चन कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो एस एफ जी बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम से और सोल्व करेंगे। थैंक यू।